आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के सफलतम 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भोपाल के डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक भगवान दास समनानी और नगर पालिका निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित कई गणमान्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में बताया गया, मध्य प्रदेश आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में एक अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाकर 85% लोगों को लाभ मिल चुका है। इस योजना से जुड़े लाभार्थियों ने भी उप मुख्यमंत्री से बात की और मंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना का प्रतिदिन 6.5 करोड़ रुपए का व्यय आ रहा है और अभी तक 7,200 करोड़ रुपए, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा, विकसित भारत के विकास के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे अब कोई भी नागरिक इलाज के लिए मोहताज नहीं होगा और गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त में कोई योजना लाएगी ऐसा आमतौर पे दिखाई नहीं देता था। हम लोगों को वो दिन याद है जब किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उस मोहल्ले के 4 लोग उसको लेके और घर घर में घूमना शुरू कर देते थे और बताते थे कि ये बहुत बीमार है, उसके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और 1 लाख रुपए लगने वाला है। तो घर घर में लेके घूमते थे, कोई 1,000 रुपए दे देता था, कोई 2,000 रुपए, पैसा इकट्ठा होता था। यदि पैसा समय से इकट्ठा हो गया तो उसका इलाज हो पाता था और यदि समय से इकट्ठा नहीं हुआ तो अकाल मौत की गाल में वो बीमार व्यक्ति चला जाता था और वो गरीब परिवार अनाथ हो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं 3 लाख रुपए का इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में गरीब जाता है। हमारे रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, एंजियोप्लास्टी हो रही और ऐसे लोगों की हो रही बाईपास सर्जरी हो रही है और पूरे देश में इस प्रकार के इलाज, अकेले मध्य प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज, 45 मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक परिवार में 2 बार इलाज हुआ साल में, एक बार 2 लाख रुपए का इलाज, एक बार 3 लाख रुपए का इलाज। तो 45 लाख लोगों ने निःशुल्क इलाज प्राप्त किया, 22 लाख परिवार के लोगों ने और मध्य प्रदेश में 6.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन, ये मीडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है कि प्रतिदिन आयुष्मान भारत योजना से 6.5 करोड़ रुपए का इलाज इस आयुष्मान भारत योजना से कराया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में 6.5 करोड़ रुपए और अभी तक 7,200 करोड़ रुपए, जिसमें 60% केंद्र सरकार ने राशि दी है और 40% राज्य सरकार ने राशि दी है। 7,200 करोड़ रुपए का इलाज के अगेंस्ट में गरीबों के भुगतान हुआ है, अस्पतालों को 1,000 से ज्यादा अस्पतालों को भुगतान हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। कार्यक्रम में आप सब आज एक गवाही के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उपस्थित हो कि इस तरीके के कार्यक्रम भी कोई सरकार सोच सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात मानव दर्शन से प्रेरित होकर के जो दल काम कर रहा है, चाहे राज्य में सरकार हमारी हो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे इसके पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, हमेशा से ध्यान ये रहा है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। और इसी के कारण जो भी सरकार की नीतियां बनती है, मोदी जी की नीतियों के कारण आज 25 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनको ऊंचा स्तर मिला है, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। अब तो आयुष्मान योजना का केवल इतना नहीं, बीपीएल के माध्यम से नहीं, अब तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के भी वो ऐसे लोग जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको भी लाभ देने का काम एक श्रवण कुमार की भूमिका में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे जो मिडिल क्लास के लोग या सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद परेशान होते थे,
कि उनको इलाज कैसे मिले, तो ऐसे 5 लाख रुपए तक के कार्ड उनके भी बनेंगे, अब वो किसी पर निर्भर नहीं होंगे।